घास फूस खाकर बदले में दूध हमें देती है, करती है उपकार न कुछ हमसे लेती है। ये लाइनें बताने के लिए काफी है कि गाय का हमारे जीवन में कितना महत्व है। जहाँ दूध दही लेकर से लेकर ऊर्जा और उत्पादन जैसी कई चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आपने गाय के गोबर से कलाकृति और खिलौने बनते देखा है? अगर नहीं तो हम आपको दिखाते हैं जहाँ इस अनूठी कलाकृति की शुरुआत की है बोकारो की प्रेमलता ने। देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारत के इतिहास में गाय का काफी महत्व रहा है, इसीलिए शायद उन्हें सिर्फ एक पशु के तौर पर नहीं बल्कि माँ यानी कि गौ माता कहा जाता है। सिर्फ आस्था ही नहीं, मनुष्य की जीविका चलाने में भी गाय का एक अहम किरदार रहता है। लेकिन इसका एक दूसरा भी पहलू है, जहाँ गाय की उपयोगिता खत्म होते ही उसे बेच दिया जाता है, और वहाँ उसका क्या हश्र होता है इसकी कोई गारंटी नहीं। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए बोकारो की प्रेमलता ने एक बड़ा कदम उठाया है, जहां वो गाय के गोबर से पूजा हवन की जरूरत की चीजें, धूप अगरबत्ती, गोबर की ईंटे, चप्पल और हाथों की चूड़ी, कंगन जैसे कई आइटम बनाकर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। उस दिन से मैं सारा चीज बनाना, गौ माता के गोबर से बाल का पिन होता है, साड़ी पिन, कोट पिन, फिर शील्ड, बच्चों का बैच, बच्चों का सिलेट, ABCD, पूरा जैसे कि 1 से लेकर 100 तक गिनती, मैंने हर आइटम गोबर से, गोबर का चप्पल, बच्चे का खिलौना, टोटल आइटम, धूप बत्ती, अगरबत्ती, हवन कप, हवन सामग्री, टोटल चीज बनाना मैं चालू की, ताकि गौ माता के गोबर बिक्री शुरू हो जाएगा। जो गौ माता दूध न देती है वो गौ माता भी कोई न छोड़ेगा, कारण अगर 100 रुपया खाती है तो मेरे जैसा हो तो 1000 के उतना गोबर में 100 रुपया में 1000 के सामान बनाएंगे। कारण जो गले का हार बनाते हैं, कान का कुंडल है, दूल्हे का सेहरा है, सब चीज बनाती हूँ, तो जो अंग्रेजन वगैरह आती है उसमें एग्जीबिशन में तो कोई 500 दे गया, कोई खुशी होकर 1100 दे गया, 10 ग्राम के होता है तो कितना रुपये किलो गोबर बिका। यही जिज्ञासा से हम अभी तक कितने महिला को सिखाते हैं, इसीलिए जो आप गोबर, गाय के गोबर पड़ा होगा कहीं वहाँ से लाओ, अब मैं बताती हूँ आपसे न बिके तो हमको दे दो, कारण जो हम तो सारा एग्जीबिशन में भी बिक जाता है, ऐसे लोग के जिज्ञासा है। तो इतने सुंदर आपने देखे ही हैं हवन कप का कैसा है, और धूप बत्ती का खुशबू कोई छोड़ते नहीं, जो देख लिए एक बार लेके रहते हैं, जो केवल ऑर्गेनिक और हर्बल है। प्रेमलता ने ये कला खुद तक सीमित नहीं रखा और वो बोकारो की महिलाओं को भी इस हुनर की ट्रेनिंग दे रही है। गोबर की कला से कई प्रतिभा भी निखर सकती है और इससे आत्मनिर्भर भी बना जा सकता है, ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। प्रेमलता ने गाय की उपयोगिता को प्रेरणा मानकर उनके डेयरी प्रोडक्ट से लेकर गोबर तक की उपयोगिता को जन जन तक पहुँचाने का बीड़ा उठाया है। लगभग 30 सालों से प्रेमलता अलग अलग राज्यों और छोटे छोटे गांव कस्बों में जाकर वहां की महिलाओं और बेरोजगार लोगों को गोबर की उपयोगिता के बारे में बताती है। उस गोबर का उपयोग कर अपनी कला का प्रतिभा लोगों को दिखलाकर उन्हें आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित भी करती है। दीदी जी जो काम कर रही है गोबर बस्ते लक्ष्मी, इसको साकार कर रही है, सार्थक कर रही है इस बात को, जो गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, कैसे वास है इसको सार्थक कैसे करें, तो गोबर से बने हुए उत्पाद हम बना के प्रशिक्षण लेके, गोबर से बने हुए उत्पाद बना के अगर हम बाजार में दे रहे हैं या बाजार में बेचने की भी चिंता नहीं है, दीदी जी को दे सकते हैं, नगद पैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो गोबर से बने हुए उत्पाद बनाकर हम अपना रोजगार लाखों कर सकते हैं, तो गोबर की दूध की चिंता नहीं करेंगे लोग, गोबर से ही हजारों लाखों की आमदनी कर पाएंगे। दीदी जी रोजगार दे रही हैं आत्मनिर्भर बनाने के लिए, क्योंकि कहते हैं जब सारी दुनिया सोती है तब प्रेमलता दीदी रोती है, क्यों, गौ हत्या कैसे रुके, कत्ल खाने कैसे हटे, इसी दिशा में काम कर रही हैं। वैसे तो साबुन, शैम्पू, सर्फ, मतलब 1999 आइटम का प्रशिक्षण दे रही हैं दीदी जी, लेकिन इनके मन में ये विचार आया है जो क्यों ना हम गोबर से बनी हुई उत्पाद का प्रशिक्षण दें, ताकि गोबर महंगे से महंगे दाम में बिके और लोग दूध की चिंता न करें। प्रेमलता गोबर से लगभग 2000 आइटम्स बना चुकी है, जिसमें ज्वेलरी, घर में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं से लेकर बच्चों के खूबसूरत खिलौने तक की एक लंबी लिस्ट है। इस अनूठी पहल की शुरुआत तो प्रेमलता ने कर दी है और महिलाओं को इससे जोड़ने का काम भी शुरू कर दिया है। अब जरूरत है खरीदारी में उतनी ही तेजी आए, ताकि उनके इस मेहनत का उन्हें उचित दाम मिल पाए।
समाचार प्लस के लिए बोकारो से रिपु सूदन पाठक की रिपोर्ट।